आज हम एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम सबसे पहले एक रेखाखंड ले लेते हैं। स्केल के हेल्प से आपने बिल्कुल एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसका सपोज कुछ भी नाम रख देते हैं, ए बी। अब हमें कंपास के द्वारा इसको लंब बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक ड्रॉ करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। आप कंपास लेंगे, उसको ए पर सेट कर दिया आपने। अब जब भी हमें रेखाखंड को आधा करना है, आपने ध्यान रखना है कि हम प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे। आपने एक पॉइंट पे सेट कर लिया पहले से ए पर, और फिर इसके अंदाजे से आपको पता चल रहा है ना कि इसका हाफ यहाँ कहीं होगा, तो इससे थोड़ा ज्यादा आपको खोलना है अपनी कंपास को, ठीक है। जैसे मैंने इतना खोल लिया, उसके बाद आपने अपनी कंपास को सेट कर लिया वहां पे, अब आपको हिलानी नहीं है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस कंपास से आप एक चाप ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, और फिर वैसे ही उसे बिना हिलाए एक चाप मैं नीचे लगा दूंगी इसी ए पॉइंट से, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप अपने कंपास को उठा के बी पॉइंट पे ले जाएंगे, देखिए इस तरीके से। और कंपास अब देखिए, आप हमारी हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा सेट बी पर सेट करने के बाद आप फिर से एक चाप यहाँ से लगाएंगे, एक ऊपर, जिसने पहली चाप को आप देख रहे हैं काट दिया है, और इसके बाद इसे उठा के हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे भी इस चाप को काट देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों चापें आपस में कट गई हैं, दोनों अक्ष कट गई आपस में। अब आप स्केल को, कंपास को हटा देंगे। अब आप अपना स्केल लेंगे बेटा, और स्केल को इस तरीके से सेट करेंगे कि जहां ये हमारे दोनों चापें आपस में कट रही हैं, ये दोनों एक सीधी लाइन में आ जाए। जब आप अपने आप स्केल से करेंगे तो आपका स्केल बहुत इजीली सेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स के बीच में रख ली, स्केल को सेट कर दिया ऐसे। अब मैं यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ये देखिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप स्केल हटा देंगे तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे को एक लाइन मिली है जिसने ए बी लाइन को यहाँ काट दिया है, तो इसका हम नाम रख देते हैं बी। और ये पी पॉइंट हमें ऐसा मिला है बेटा कि एक तो ये लंब है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहे हैं ये 90 के हैं, और साथ ही ये जो लाइन है ये इस लाइन को आधा आधा बांट रहा है, यानी कि ए पी बराबर डी बी, दोनों के हिस्से बराबर, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने इसका नाम रख दिया सपोज पी क्यू। कंपास लिया आपने, कंपास को आप एक पॉइंट पे सेट कर लेंगे, और उसके बाद हमें आधे से ज्यादा खोलना है इसे। आधे से ज्यादा मैंने खोल लिया, इसके बाद इसे फिक्स कर दिया। कंपास को उठा के एक चाप लगानी है, एक इधर और एक नीचे की साइड, ये आपने लगा दिया। उसके बाद कंपास को उठा के आप पी पॉइंट पे ले गए, और सेम वे आपने एक चाप लगाई जिसने यहाँ काट दिया इस चाप को, और अब देखिए इधर ऊपर की साइड भी पहली चाप को काट दिया इसने। कंपास हटा दिया आपने, स्केल को सेट करा, ये देखिए ये स्केल सेट होने के बाद आपने इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल हटा देना है, और ये जो पॉइंट हमें मिला है पी ओ, ये कैसा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। और साथ ही में अगर हम इस पॉइंट का नाम रख दें एक्स वाई, तो ये जो एंगल है, एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू
एंगल क्यू ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे ही नीचे की तरफ भी। तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया है और आप इसे ध्यान रखेंगे, आगे कभी गलती नहीं करेंगे। आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट है, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है और इसके बाद इसका लंब समद्विभाजक ड्रॉ करना है। एक दूसरा 7.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। 1 कैप्सूल डेली ऑफ पेशेंट एंड सेल्फ बिलीव। वेरी वेरी मस्ट